बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राबड़ी देवी के इफ्तार पार्टी में शामिल क्या हुए। बिहार में राजद और जदयू के साथ चलने की चर्चा चलने लगी, लेकिन नीतीश कुमार ने खुद ही इस कयास से पर्दा हटा दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को इफ्तार पार्टी के लिए पूर्व सीएम राबड़ी देवी के घर पहुंचे। इसके बाद पटना के सियासी हलकों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। उनके भाजपा से गठबंधन तोड़कर फिर से महागठबंधन में शामिल होने के साथ साथ बीजेपी पर दबाव बनाने जैसी चर्चाएं होने लगी। हालांकि नीतीश कुमार ने तमाम अटकलों पर खुद विराम लगा दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री 5 साल के बाद लालू यादव के घर पहुंचे थे। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। पॉलिटिक्स से क्या मतलब है, इस तरह की इफ्तार पार्टी में तो सबको निमंत्रित किया जाता, सरकार की तरफ से भी हम लोग शुरू से करवा रहे हैं परंपरा, जब से हम हैं तब से कराते हैं, सभी पार्टी के लोगों को, सब लोगों को बुलाते हैं, दूसरे पार्टी के लोग भी करते हैं, सबको बुलाते हैं। उसमें तो कोई भी बुलाएगा और आमंत्रित करता है तो जाते ही ना जी, और उसमें सबको बुलाता है, हर अलग अलग पार्टी के लोग भी करते हैं, तो भाई उनके द्वारा आमंत्रित किया गया तो गए, तो उस पर तो सम्मान तो व्यक्त करना ही नहीं चाहिए भाई। श्रद्धा जो उनका पर्व चल रहा है तो ऐसे अवसर पर तो हम लोग करते ही नहीं, तो इसलिए गए। उसका राजनीति से क्या मतलब? आपको बता दें कि कल नीतीश कुमार अपने सरकारी आवास से राबड़ी देवी के घर पैदल ही पहुंच गए थे। यहां उन्होंने राबड़ी देवी, उनके बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के साथ जश्न में शिरकत किया। वो यहाँ लगभग 20 मिनट तक रहे। इससे कुछ ही देर पहले झारखंड हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में लालू यादव को जमानत दे दी थी। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से जब इस आयोजन के राजनीतिक संबंधों पर चर्चा की गई तो उनका कुछ और ही कहना था। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। पॉलिटिक्स है, राजनीति में उथल पुथल होते रहता है, आज हम हैं तो कल वो हैं, कल वो रहेंगे तो आज हम रहेंगे, तो ऐसा ये सब चीज उथल पुथल जो है चलता रहता है। अब इसमें नीतीश कुमार जी आए, पहले तो हमने तो लगाया था कि नो एंट्री का बोर्ड, अब एंट्री नीतीश चाचा जी हमने लगाया बोर्ड, तो वो आ गए, यहाँ आ गया तो सरकार बनेगी। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद। आपत में पड़ी है जान, उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।